wait. मतलब पीछे सर पीछे ले लो। अजय भाई देखो फोटो मार के ना सर। हाँ मार लो फोटो। हाँ मार ले। अरे खड़ा मत रहना। खड़ा मत, खड़ा क्यों हो रहा है? एकदम घुस जाना फिर बैठे का तो चले जाएगी भाई, चले जाएगी भाई। अजय भाई चले जाएगी भाई, बैठ जा भाई। अजय भाई पीछे आ जा, पीछे आ जा, मुझे पीछे ले। थोड़ा हम यहाँ मैम वीडियो के लिए पीछे पीछे आ रहा है सर। इसके लिए देखो ये गार्डन घूमता है क्या? खाली बसा ना दादा, खाली बसा दादा, खाली बसा दादा। वेट वेट सर, वेट सर, यो पहले कर ले, कर ले। अरे बाद में नहीं रुकते। वेट वेट रुक जा, राइट साइड राइट साइड दादा। सुन लो सेंटर हां ये राइट है, वीडियो राइट है, सेंटर सेंटर। प्रशांत भाई बैठो 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 ये अजय हाथ नीचे ले भाई, पीछे आ जाओ। अजय भाई पीछे आ जाओ। अरुण इधर इधर इधर। हाँ बस बस लुक साइन कर सकते हो? एक मिनट रुकना। फिल्म भी देखने वाले हैं। हाँ, ऑफ कोर्स फिल्म भी देखने वाले हैं। इट्स वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग्स फ्रॉम एटीज मूवीज।
मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, उत्सुकता से मैं वेट कर रही हूँ कि मेरी फिल्म अच्छी सी रिसीव होए और आई होप पीपल अंडरस्टैंड एंड लव द फिल्म एंड एम्ब्रेस इट। एंड हमें ये मेन कलेक्शन भी देखने को मिल रहा है, तो पिक्चर बताइए कितना डिफरेंट है। आई नो कुणाल जी से जानेंगे, लेकिन पहले आपसे कि आपने मैं एक्चुअली ये इट्स अ बंडी विद अ बंदला एंड ये कुणाल ने मुझे प्रेजेंट किया है। इट्स अ सेल्फ ऑन सेल्फ एम्ब्रॉयडरी, इट्स एक्चुअली टू टोन्स ही सिंग और थ्रेड वर्क है और आई वोन इट अंडर एन अनामिका खन्ना आउटफिट, आई वोन इट ओवर एन अनामिका खन्ना आउटफिट एंड आई थिंक मेन्स वेयर एंड वुमेन्स वेयर मिक्स्ड लुक्स अमेजिंग एंड आई कांट वेट फॉर कुणाल टू स्टार्ट अ वुमेन्स वेयर लाइन। मेन्स कलेक्शन कितना लाइक करती है, जब भी फ्री हो घर में कि नेचुरल मेन्स? हाँ, मुझे बहुत पसंद है एंड टू ड्रेस एंड्रोजिनस, आई थिंक इट्स वेरी कूल। इनफैक्ट मैंने दो तीन बार कुणाल के मेन्स वेयर पहना है प्रमोशंस के लिए और उनके शोज़ के लिए, शूट्स के लिए। मेरे कपड़े के बारे में बात करें, क्लोथ्स का इंटरव्यू है ये। ओके, सो ऑनेस्टली एक लड़की को देखा, सच एन इम्पॉर्टेंट फिल्म एंड दिस क्वेश्चन इज एज इम्पॉर्टेंट एज दिस फिल्म, बट राइट नाउ बिकॉज दिस फिल्म इज सो इम्पॉर्टेंट आई वांट टू कॉन्सेंट्रेट ऑन दैट, बट थैंक यू फॉर आस्किंग मी दिस क्वेश्चन एट सच एन इवेंट। टेल अस अबाउट कुणाल एंड योर फ्रेंडशिप विद हिम, यू ऑलवेज वोर हिज क्लोथ्स एंड ही ऑलवेज लुक एक्सट्रीमली गॉर्जियस। थैंक यू। व्हाट इज, शी इज अ हार्ड वन। हां, I love Kunal's one of my best friends, he's my oldest friend. I've been friends with him since I was 3 years old, but that doesn't mean I have to wear his clothes because I have a lot of friends who do fashion and I mean who I've known my whole life. I love wearing Kunal's clothes, I think they're very cool. In this era of over embellishment, I think when you're subtle it screams louder than when you are overdressed or overdone. And so I love the class and the, you know, I just love his clothes, you know, and so I think it's cool and it is edgy, but it's not edgy in your face, like it's not loud, and I think for me that is more rebellious than something that's like louder. Well, I really like this unfitted, like it, I think it was khadi kunal, like yeah. I sent, huh? I have done handloom fabrics. Handloom fabrics, so I think it was like a navy with a light blue that I definitely want for Anand, and there was the same thing in white that I want for Anand as well. Kunal, what do you feel when she wears your clothes? How proud are you? Obviously, you have a very friendship. Correct. So firstly, it's proud because you see what she's doing with fashion, and I think that's what was needed here. So there's a very strong voice, and more than anything, I feel there are very few people over here, there should be a lot more, who have as much fun with their clothes as Sonam does. Because at the end of the day, fashion, how you dress, it's about a feeling, it's about how you feel, it's an emotion. And so one of our friends, yeah, so I think it's about an emotion, and not too many people dress and enjoy what they wear as much as she does. Whether it's menswear, womenswear, it doesn't matter. It really doesn't matter. I think she makes an impact with a lot of looks, and I think what she's done with this look today, it was such a pleasant surprise to me too. I really believe a lot in gender fluidity. I think clothes should be made for a man and a woman. I don't believe that, you know, I feel clothes should be gender neutral in general. So for me, it's very exciting to wear clothes that people perceive as menswear. And when I see men dressed in clothes that people would perceive as women's wear, I think it's very, very cool. And you just, like you said, you have to have fun with it. Ma'am, there are many films made on sports personality, you know, business personality and political personality. So do you think film personality should also be the subject should be made on a film? I mean, I did a film called Sanju, which was did very, very well. And we have controversial lives, I guess. Siapa ki zarurat hoti hai na? कोई भी स्टोरी में, बट इट्स नॉट इजी टू मेक अ फिल्म ऑन अ फिल्म पर्सनालिटी, देयर आर ऑब्जेक्शन फ्रॉम अ फैमिली और कलीग और फ्रेंड्स, व्हाट डू यू से अबाउट इट? आई डोंट नो, आई मीन इट डिपेंड्स, आई ऑलवेज बिलीव इन ऑनेस्टी एंड द ट्रुथ शुड ऑलवेज कम आउट।
अरे वो श्रीदेवी के सबसे पहले तो मैं कलेक्शन की बात करूंगा कि कलेक्शन बहुत ज़बरदस्त है. मैंने ऑलरेडी दो ले लिए हैं, सिलेक्शन कर ली है मैंने, एक ब्लैक में और एक ऑफ वाइट में. कल मेरे घर में पहुंच जाने चाहिए. फैक्ट्री पे उसका काम चालू हो चुका है. बिल्कुल ये रिकॉर्ड हो चुका है. बट अदरवाइज दिस इज अ वेरी आइकॉनिक प्लेस रिदम हाउस, यू नो. वी यू नो फ्रॉम द टाइम इट्स सो आइकॉनिक एंड इट्स सो फॉर्चुनेट टू गेट दिस ब्यूटिफुल. You know, as the people say, as a घर और business का होना चाहिए. First condition is location, location, location. So the location is fantastic, it's iconic, and I think you're very blessed, very lucky. Yeah. And of course, ultimately, एक आदमी restaurant खोलता है या कोई कपड़े या film देखता है, the most important is the content, is the story, it's the food. And it's the clothes. And whatever I've seen, and obviously I know him as a kid, from the time he's grown up, he's Sonam's and Ria's friend. And his growth as a designer has been absolutely phenomenal. And he deserves all the success.
and this is his first sign of success. He's arrived in a big way. Kunal Raval has arrived in a big way. सर कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं. एक लड़की को देखा तो ऐसा लगा के लिए कुणाल को ट्रेलर बहुत ही पसंद आया. सोनम मैडम भी आई थी तो बहुत ही तारीफ की. आप बताइए आप कितने एक्साइटेड हैं हमने. देखिए मैं ये अभी ये दिस इज व्हाट इट इज. इट्स सेट लव फ्री सो दैट्स व्हाट इट इज. मुझे ऐसा लगता है कि वो फिल्म ऐसी है कि यू नो हर एक इंसान के लड़की के लड़के के हर हम सब के एक सीक्रेट है. समझे ना सीक्रेट. तो वो सीक्रेट जो है वो हर आदमी छुपा के रखता है और अपने दिल में रखता है और बहुत दुखी होता है बहुत अपसेट होता है. मगर ये जो फिल्म देखने के बाद सब अपनी अपने सीक्रेट यू मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं डिस्क्लोज करेंगे क्योंकि आप अपने आप को हल्का महसूस करेंगे. इट्स बियॉन्ड अ लव स्टोरी दिस फिल्म एंड व्हेन यू सी द फिल्म यू विल अंडरस्टैंड व्हाट इट इज. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म फॉर सोनम फॉर राजकुमार फॉर मी फॉर विनोद चोपड़ा फॉर ऑल ऑफ अस. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म एंड रिलीजिंग ऑन फर्स्ट ऑफ फेब्रुअरी एंड it's a film which I think everybody should watch it and then we can you know and then you know what I'm talking about. The film has also gone through a little bit of turmoil right now with the controversy with Raju Irani, so that's happening. Do you want to comment anything about that? Well, at the moment it's I think let's the film is much more important. So I think let's speak about the film and that's what is more important. Kunal, how do you feel when that Anil Sir wears your collection? I mean he's an every man obviously. Evergreen man means he puts us all to shame. Yeah. Now my relationship with AK goes like I've known him my whole life. And the thing is, it's knowing somebody on a personal level is different, but asking somebody to wear your clothes and wanting your clothes on somebody, that's a completely different ball game. You know, I've been the biggest AK fan for the longest time. I've looked up to him personally and professionally. But the thing is, he was my first showstopper, and every time I see him in my clothes, in fact, he's somebody I take a lot of feedback from. He's somebody who gets all my samples, whether they are they have reached the retail level or not. Even if it's a thought, even if it's a new fabric, a certain wash, a certain new cut, I always take his advice on things because I feel he has such an individualistic style, and I think he owns whatever he does. It's not only what he wears, I think he owns whatever he does, and that's what makes him who he is. And Anisha, how proud of you, all your kids, and even if I can say Kunal is also one of them, obviously. So and absolutely, he's like a son, he's like being like a son to me. All, you know, we all grown up in family, and I'm very, very proud of him. Thank you. Thank you. Thank you, Ji. Thank you. Thank you.